प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने आगरा में प्रेस वार्ता कर कहा कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया था। भारत देश में संविधान लागू और सभी अपनी आस्था के बोलने के अधिकारी हैं। हम आगरा के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्यार भरा संदेश दे रहे हैं कि 5 दिन में अपनी चर्चा कर लें और जामा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़कर हमारे भगवान की मूर्ति हमें दें। इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान हम करेंगे, क्योंकि देश में भाईचारे की बात की जाती है तो मुस्लिम धर्मगुरु भाईचारे का परचय है। भाईचारा की बात करने वाले 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस कर दें। हम उनको 5 दिन का वक्त दे रहे हैं। भाईचारा ना निभाने पर आगरा में ही कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें अपनी आस्था के अनुसार अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है और वहाँ सीढ़ियों पर लोग रोजाना आते जाते हैं। 5 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से काम शुरू कर देंगे। अगर उस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे निवास अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है, ये तो उन पेरेंट्स के साथ जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं उनके उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उन बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात? अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ किस लिए भेज रहा हूँ? वहाँ में नवाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है, पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सजा कठोर होनी चाहिए जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए नहीं देख सकते।